नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पोल्ट्री MKPH। तो दोस्तों, आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि पोलर पोल्ट्री का सेट का निर्माण आप किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, पोल्ट्री सेट बनाते समय दोस्तों किन किन बातों को ध्यान रखते हैं, तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करते समय सबसे पहला मुद्दा जो आता है दोस्तों, वो सेट का निर्माण होता है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि पोल्ट्री सेट का निर्माण करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सेट के निर्माण करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि पोल्ट्री सेट का निर्माण की जगह समतल हो और कुछ ऊंचाई पर होना चाहिए। और फाउंडेशन के दोस्तों अगर बात करें तो फाउंडेशन की ऊंचाई जमीन की सतह से कम 2 या 3 फीट के ऊपर ही होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, तो जिससे कि बारिश का पानी फॉर्म में जमा ना हो सके, सेट मुख्य सड़क से ज़्यादा दूर ना हो और जिससे कि लोगों को आने जाने में और गाड़ी को आना जाना में सही रूप से आ सके। तो दोस्तों, जब भी हम बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग बनाएं दोस्तों, तो बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग इस तरह बनाएं ताकि रोड मतलब कुछ ही नज़दीक हो दोस्तों, ताकि मतलब जिससे कि आपको मतलब मेरा माल तैयार हो गया दोस्तों, और माल वगैरह जैसे कि हमें मतलब सेल आउट करना दोस्तों, तो सेल आउट करने के लिए आप मतलब रोड ज़्यादा दूर ना होना चाहिए। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग आप इस जगह पे बनाएं ताकि मतलब रोड नज़दीक ही हो और कोई भी सामान मतलब आना जाना मतलब सही तरह से हो जाए। तो पोल्ट्री फार्मिंग इस जगह पे दोस्तों बनाएं। और दोस्तों, साथ ही पोल्ट्री सेड रास्ते के बिल्कुल नज़दीक भी नहीं बनाना चाहिए दोस्तों। आप जब भी बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग बनाते हैं दोस्तों, तो सेड, क्योंकि दोस्तों इससे होता है कौन सी कि जो मतलब सेड के जो रास्ते होते हैं, जो मतलब सेड के जो रास्ते होते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल नज़दीक होने से जो गाड़ियों का जो शोर होते हैं दोस्तों, इससे क्या होता है पता है दोस्तों, इससे जो है ना हमारे मुर्गियाँ दोस्तों स्ट्रेस में आ जाते हैं दोस्तों। स्ट्रेस में आ जाने के कारण वही होता है दोस्तों कि इससे प्रॉब्लम ये होता है कि दोस्तों आपका जो बॉयलर मुर्गी होते हैं दोस्तों, वो स्ट्रेस में आ जाने के कारण दोस्तों वो जल्दी से वेट गेन नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, आप जब भी बॉयलर पोल्ट्री फार्म बनाएं तो रोड के बिल्कुल नज़दीक नहीं बनाएं, मतलब रोड के थोड़ा दूर ही हो दोस्तों, ताकि जो गाड़ी की आवाज़ जो हो दोस्तों, इसका मतलब थोड़ा कान वगैरह में नहीं जाए दोस्तों, जिसका कारण मुर्गी वगैरह स्ट्रेस ना ले पाए दोस्तों। तो आप जब भी बॉयलर फार्म बनाएं दोस्तों, तो रोड से थोड़ा दूर ही बनाएं दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो बिजली और पानी की सुविधा मतलब सही रूप से होना चाहिए दोस्तों, और चूजे मुर्गियों फीड दाना दवाई वैक्सीन आदि आसानी से उपलब्ध हो दोस्तों, तो पोल्ट्री फार्मिंग आप इस जगह पे बना सकते हैं दोस्तों। बॉयलर मुर्गी बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध हो दोस्तों, तो आप पोल्ट्री फार्मिंग इस जगह मतलब बना सकते हैं दोस्तों। शेड हमेशा दोस्तों पूर्व से पश्चिम की दिशा में होता है दोस्तों, ये तो आप जानते हैं दोस्तों, ये तो कॉमन बात है दोस्तों। शेड हमेशा पूर्व से पश्चिम की दिशा में होना चाहिए और शेड के जाली वाला उत्तर के दक्षिण में होना चाहिए दोस्तों, जिससे कि हवा सही रूप से शेड के अंदर से बच सके और धूप ज़्यादा अंदर ना जा सके दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो जैसे कि शेड की चौड़ाई दोस्तों आप 25 से 30 फुट रख सकते हैं दोस्तों, और लंबाई आप अपना जरूरत के अनुसार रख सकते हैं दोस्तों। वो लंबाई आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, आप लंबाई कितना रखना चाहते हैं दोस्तों, तो लंबाई आप पे डिपेंड करता है, लंबाई आप जितना भी रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो चौड़ाई होता है दोस्तों, वो मैक्सिमम मतलब 30 से 35 फीट होता है दोस्तों, और सेट का फर्श पक्का का होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम बात कर ले तो सेट के दानों और जाले वाले साइड के दीवारों फर्श से मात्र मतलब 6 इंच की होनी चाहिए दोस्तों। मतलब सेट के जो मतलब दोनों ओर जो मतलब जाली वाला जो दीवारें होते हैं दोस्तों, वो कम से कम 6 इंच ऊंची होना चाहिए दोस्तों, ताकि जब भी बारिश वगैरह जैसे कि मतलब बारिश का जो झीटर्स होता है दोस्तों, जैसे कि कभी कभी पानी मतलब पूरा ऐसे मतलब हवा के थ्रू पड़ने लगता है दोस्तों, तो जाली के अंदर ना जा सके दोस्तों। तो पोल्ट्री फार्मिंग इस तरह से बनाए दोस्तों। और अगर दोस्तों हम जैसे कि बात कर लें दोस्तों, तो सेट की छत को सीमेंट की सेट या चादरा से भी बनाना चाहिए दोस्तों, और बीच बीच में वेंटिलेशन के लिए जगह भी होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग का सेट बना सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि चादर दोनों साइड 3 फीट लंबा रखें, जिससे कि बारिश में बोछार शेड ना भींच सके दोस्तों। तो चादरा मतलब जब भी मतलब आप जैसे कि सीमेंट की चादरा वगैरह बिछाएं दोस्तों, तो सीमेंट की जो चादरा होते हैं दोस्तों, वो 3-3 फीट मतलब दोनों साइड दोस्तों मतलब बाहर ही रखें। इससे कौन सी होता है दोस्तों कि जब भी आपका बारिश वगैरह होगा, तो इसका जो बोछार होता है दोस्तों, वो शेड के अंदर नहीं जा सकता है दोस्तों।
तो इस तरह से मतलब पोल्ट्री शेड बना सकते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों तो शेड की साइड की ऊंचाई फर्श से कम 6 या 8 फुट होना चाहिए दोस्तों। और बीचों बीच की जो मतलब फर्श बीचों बीच की जो तो ऊंचाई होता है दोस्तों फर्श से, वो 12 से 14 फुट होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर हम बात करें तो शेड के अंदर बिजली बल्ब, मुर्गियाँ, दाना, पानी के बर्तन, पानी की टंकी की उचित व्यवस्था होना चाहिए दोस्तों। शेड की दोस्तों जैसे शेड को दूसरे शेड से कम 500 फीट जब भी है, जैसे कि आप दोस्तों एक एक पोल्ट्री फार्मिंग बना रही दोस्तों, और जैसे कि आपको विचार है कि दोस्तों एक पोल्ट्री फार्मिंग और भी बनाएं, तो शेड की जो कम से कम मतलब एक शेड को दूसरे शेड से कम 500 फीट दूरी बनाए, अन्यथा ना तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि इस इन्फेक्शन मतलब डिसीजन जो दूसरे शेड के जाने वाले दोस्तों जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं दोस्तों, वो जल्दी चला जाता है दोस्तों। तो जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग बनाएं दोस्तों तो एक शेड से मतलब दूसरे शेड से मतलब 500 फीट दूरी बनाएं दोस्तों। और नॉन एसी मतलब जनरल पोल्ट्री शेड बनाने के लिए आपको प्रति स्क्वायर फीट 150 से 300 तक खर्चा आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मतलब ये थी मतलब छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो लाइक शेयर या कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और यदि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नया होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम इससे ही मतलब पोल्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों। और किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए दोस्तों तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं दोस्तों, लेकिन करेंगे जरूर दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।